बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सिंधी बिरयानी। सिंधी बिरयानी जैसा कि आप लोगों को पता है कि वो बहुत फ्लेवरफुल होती है और कराची की बहुत मशहूर ये डिश है। और सिंधी बिरयानी जो है लोग ज़्यादातर डिब्बों से बनाते हैं, डिब्बों के मसालों से बनाते हैं, लेकिन हम जो है वो अपने मसाले से बनाएंगे और कोशिश करें कि अपने ही मसाले से बनाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो सिंधी बिरयानी के लिए आप चीज़ें नोट कर लीजिए। हमने चिकन लिया है, चिकन जो है वो तकरीबन 1.25 किलो है। इसको आप इस तरह के पीसेस करवा लीजिए, थोड़े बड़े और छोटे मीडियम, जिस तरह के आपको पसंद हो बिरयानी में उस तरह का कर लीजिए। आलू जो है वो हमने तकरीबन 5 से 6 अदद लिए हैं मीडियम साइज के, इनको जो है वो छील के बस 2 टुकड़े कर लेने हैं। चावल जो है वो हमने तकरीबन 1 किलो लिया है और ये बासमती राइस है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम घाट का अल्टीमेट चावल यूज करते हैं, ये बहुत जबरदस्त चावल है, इसकी वजह से बिरयानी आपकी बहुत अच्छी बनेगी। तो आप कोशिश कीजिए, क्योंकि ये आप पूरी दुनिया में मिलता है तो आपको बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, इवन पाकिस्तान में भी। तो चावल हमने भिगो के रख लिया, इसको हम सिर्फ बॉइल करेंगे जीरे और नमक के साथ। ये 2 मीडियम प्याज है, ये हमने पीस के रख लिए, इसका मसाला बनेगा। दही जो है वो 1/2 कप लेंगे, केवड़ा हम हसबे जायका लेंगे। तेल जो है वो तकरीबन 1.5 कप लेंगे, जर्दे का रंग भी हम अपने हिसाब से लेंगे। ये हल्दी है, हल्दी जो है 1 टीस्पून है। अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट है तकरीबन जो है वो 1 बड़ा टेबल स्पून भर के, और लहसुन भी 1 टेबल स्पून है। और तकरीबन जो है ये लाल मिर्चे हैं, लाल मिर्चे जो है वो हमने वो भी 1 टेबल स्पून ली है। काली मिर्चे जो है वो 1 टीस्पून है। नमक जो है वो हल्के जायका है। आलू बुखारा जो है, आलू बुखारा भी आप अपनी मर्जी से ले लीजिए, मैंने 10 से 12 अदद लिए हैं। ये बादियान का फूल है पिसावा, ये हमने तकरीबन 1/2 टीस्पून लिया है। हाँ, बादियान का फूल जो है उसकी बहुत स्ट्रांग खुशबू होती है, तो कोशिश करें कि ये बहुत ज्यादा ना हो। और ये जायफल जावित्री है, ये दोनों मिक्स हुआ हुआ है पिसावा, ये 1 टेबल स्पून है। और ये 2 टमाटर है मीडियम साइज के, ये हमने पीस के, ये भी इसका ये ग्रेवी में यूज होगा जो हम इसका मसाला बनाएंगे। अच्छा, ये जो मसाला है ये मसाला भूना जाएगा और ये भून के इसमें शामिल होगा। ये जो है वो सिंधी बिरयानी की जान होता है। तो इसमें जो है वो साबित लाल मिर्च हमने ली है 5 से 6 अदर, सौंफ लिया हमने 1 टेबल स्पून, साबित धनिया लिया 1 टेबल स्पून, साबित जीरा लिया सिफेद 1 टेबल स्पून, 2-3 जो तेज पात के पत्ते लिए, और 5 हमने जो है वो हरी इलायची ली है छोटी वाली, ये हम भून के डालेंगे। बाकी हरा धनिया, पुदीना, ये हमने आधी आधी कड्डी ली है, ये तह में जाएगी। टमाटर भी तह में जाएगा और हरी मिर्चें ये भी तह में जाएंगी। तो ये सारे मसाले इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आपने नोट करने हैं। आपको अगर अपने हिसाब से तेज मसाले की बनानी है, आप कुछ मिर्चें बढ़ा दें, कुछ चीजें बढ़ा दें, अगर आपको कम रखनी है आप कम कर लें, लेकिन ये बहुत जरूरी मसाले हैं जो कि सिंधी बिरयानी में इस्तेमाल होते हैं। तो आए अब हम अपना कुकिंग प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये करना है कि पानी जो है वो बनने के लिए चढ़ाना है और उसके अंदर आलू डाल के हम चढ़ा देंगे। और इस आलू में तकरीबन हम 1 टेबल स्पून नमक डालेंगे, नमक इसमें जरूरी है। और थोड़ा सा हम इसमें जर्दे का रंग शामिल करेंगे, क्योंकि उससे ये होगा कि आपके आलूओं का कलर भी आ जाएगा और ये बहुत अच्छा सा एक टेक्सचर बनेगा इसका, आलू का ये आपको नजर आ रहा होगा इसमें कलर आ गया। अब हमें इस आलू को तकरीबन 15 से 20 मिनट तक बॉईल करना है, बिल्कुल डन नहीं करना है क्योंकि ये दम में भी जाएगा, तो दम में जाके ये थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। तो बस इसके अंदर हमने तकरीबन 1.5 स्पून नमक डाला और जर्दे का रंग डाला। हमने पानी जो है वो बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है। इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून जीरा और 2-3 तेज पात के पत्ते डाल दिए हैं। अब इसके अंदर मैं चावल डाल दूंगा। चावल का प्रोसेस हम सबसे पहले करते हैं, क्योंकि चावल जो है वो आपको मैंने जैसा कि आपको बताया कि एक कन्नी छोड़ के इसको उबालना होता है, तो तकरीबन 80% इसको डन करना है हमें चावल को। और बाकी जब ये तय में जाएगा तो ये उसमें भी पकेगा। तो ये हमने चावल इसमें डाल दिया है, अब हम इसका वेट करेंगे कि जब ये पक जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी शक्ल कैसी आई है। चावल के अंदर हमने जैसा कि आपको बताया नमक, जीरा और तेजपात के पत्ते, और ये तकरीबन 2-3 से 4 टेबल स्पून सिरका भी डालना है, उससे आपके चावल बिल्कुल सफेद और खिले खिले होंगे। अब हमने जो है वो चूल्हा अपना ऑन कर दिया है। अब ये सारे मसाले जो मैंने आपको बताया था, जो खुश्क मसाले थे जिनमें मैं पहले मिक्स कर लूं, मैं आपको बताता हूँ, जिसमें तेज पात के पत्ते,
और जायफल जावित्री, ये सारी चीजें अब हमें भूननी है इसमें ना, मिक्स करके। लाल मिर्च है और चलो बंद कर दो। अब ये देखें, ये हमने जो है वो सारा मसाला जो है वो भून लिया है। अब इसको हम पीस के ये हम बिरयानी में ऐड करेंगे, और किस वक्त करेंगे ये हम आपको दिखाएंगे। तो अभी हम इसको पीसेंगे और पीस के रख लेंगे, और जब चिकन शुरू करेंगे बनाना तो उस वक्त मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस वक्त ऐड होगा। तो ये सारे मसाले आपने भूनने हैं, जिसमें साबित लाल मिर्च, तेजपात, जीरा, सौंफ, इलायची, जायफल जावित्री, हल्दी और बादियान का फूल, ये सारा आपने इसमें भून के और रख लेना है। अब पहले हम इसके अंदर तकरीबन 1.5 कप तेल डालेंगे। तेल को थोड़ा सा गर्म करेंगे, उसके बाद फिर हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। अब हमने जो ये प्याज पीस के रखी थी प्याज को हम उससे तक भूनेंगे जब तक इसका कच्चापन खत्म ना हो जाए और ये थोड़ी सी भुना जाए, फिर बाकी चीजें हम आहिस्ता आहिस्ता ऐड करेंगे और आपको हर स्टेप पे दिखाते जाएंगे। अब प्याज भूनते हुए हमें तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। आपको नजर आ रहा होगा कि प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो चुके हैं, तो प्याज हमारा भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट रखा था वो इसके अंदर हम शामिल करेंगे, और लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो हम सिर्फ 5 मिनट भूनेंगे और फिर अपनी चिकन ऐड करेंगे इसके अंदर। अब हम इसमें अपनी चिकन ऐड कर देंगे, और चिकन को हमने जो है वो अभी थोड़ा सा तलना है इसी मसाले के अंदर। चूल्हा जो था वो मैंने दोबारा मीडियम कर दिया था, लेकिन मैंने फिर इसको हाई किया क्योंकि चिकन को हमें थोड़ा सा तलना है, और फिर हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता अपने मसाले ऐड करेंगे तो फिर आपको दिखाते हैं। चिकन भूनते हुए मुझे तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं इसमें चीज़ें ऐड करना शुरू करूंगा। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च, जो हमने लाल मिर्च रखी थी 1 टेबल स्पून, और नमक मैं अभी इसमें डाल दूंगा। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा और 5 मिनट भूनूंगा मैं मिर्चें और नमक के साथ। अब फिर इसके अंदर हम टोमेटो प्यूरी ऐड करेंगे। अभी हमने जो मसाला पीस के रखा है वो इसमें ऐड नहीं किया है, वो अब हम ऐड करने वाले हैं इसमें, तो आपको दिखाएंगे। अब ये जो मैंने आपको मसाले दिखाए थे ये हमने पीस लिया था, इसको अब हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें ये मसाले इसकी जान है, और ये इतनी जबरदस्त अभी खुशबू आ रही है मसालों की। अब इसमें जो है मैं ये टोमेटो प्यूरी भी डाल दूंगा। और अब मैं इसके अंदर जो दही फेंट के रखा है, ये हमने दही फेंट लिया था, जो मैंने आपको बताया था 1/2 कप दही जाएगा, तो वो दही भी अब हम इसमें ऐड कर देंगे। बहुत मजे की खुशबू आ रही है। अब ये थोड़ा सा पक जाए फिर हम आपको दिखाते हैं। हमने चिकन को गलने के लिए रख दिया, आप इसका कलर देख लें कितना खूबसूरत आ गया। अब इस वक्त मैं आलू बुखारा भी इसमें शामिल कर दूंगा, और इसको अभी हम 10 मिनट और पकाएंगे, क्योंकि चिकन अच्छा है जितनी गल जाए, जितनी पक जाए, क्योंकि बाकी तो फिर ये तह में जाएगी। तो आपको कोरमे का कलर भी नज़र आ रहा होगा, और खुशबू का तो मैं आपको जाहिर है बता ही सकता हूँ, वो महसूस नहीं करा सकता क्योंकि ये तो इसके ऊपर ही हमें समझ में आ रहा है। तो अब 10 मिनट के बाद ये बिल्कुल रेडी होगा, फिर हम तह लगाएंगे इसकी। ये तह वाली बिरयानी बनती है, सिंधी बिरयानी, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे करना है। अब ये तकरीबन हमारा जो कोरमा है चिकन का, ये बिल्कुल रेडी है बिरयानी में दम पे जाने के लिए।
तो ये इसकी फाइनली शक्ल है, ये आपको अब नजर आ रही होगी। ये देखिए आप, चिकन भी गल चुकी है और ये बहुत बहुत ही मजे का बना है। तो अब हम इसका आपको दम लगाने का प्रोसेस दिखाते हैं। अब हम तह का प्रोसेस अपना कर रहे हैं, तो पहले हम इसमें थोड़ा सा नीचे मसाला डालेंगे, ये आपको नजर आ रहा होगा। अभी मैंने चूल्हा बंद किया हुआ है, तो मैं थोड़ा सा पहले मसाला नीचे डालूंगा। और ये चावल जो हमने बॉईल करके रखे थे, थोड़ा चावल हम नीचे डालेंगे तवे में। इसको अच्छे से फैला दीजिए। अब हम इसमें कोरमा डालेंगे। तो कोरमे का ये है कि पहले हम गोश्त डाल देते हैं, सिंधी बिरयानी जो है अमूमन बहुत थोड़ा मसाले वाली होती है, उसमें मसाला होना जरूरी है तभी उसका मजा आता है। गोश्त मैं पूरा इसी तरह में डालूंगा, बाकी थोड़ा सा मैं मसाला बचाऊंगा जो ऊपर से डालने के लिए होगा, और वो आपकी मर्जी है। अगर आपको सिर्फ नीचे की तरह में डालना है, ऊपर की तरह में डालना है, वो आपकी मर्जी है। ये हमने डाल दिया। अब हम इसमें जो हमने आलू बॉईल किए थे जर्दी का रंग और नमक डाल के, जो आपको याद होगा, वो हम डालेंगे तवे में। अब हम थोड़ा सा पुदीना डालेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, हरी मिर्चें जाएंगी इसमें, और ये जो हमने स्लाइस करके टमाटर रखे थे वो जाएंगे। अब जो हमारा वो चावल बचा हुआ है वो हम डालेंगे पूरा ऊपर से। ये मैं थोड़ा सा लकड़ी से इसको अभी लकड़ी के चम्मच से नॉर्मल कर लूंगा, क्योंकि हमने इसको बॉईल करके रखा हुआ था तो जाहिर है ये थोड़ा सा जम सा जाता है। चावल आपको नजर आ रहा होगा कि चावल मैंने आपको जैसा कि बताया कि गार्ड अल्टीमेट यूज कीजिए, अल्टीमेट जो बासमती राइस है इनका, वो इस तरह के खानों के लिए तो बहुत ही जबरदस्त है। अब ये जो बाकी थोड़े से पुदीने और हरा धनिया हमने बचा के रखा था, पुदीना और हरा धनिया, वो जो मसाला बचा था वो भी हमने इसमें डाल दिया, और पुदीना हरा धनिया भी डाल दिया, और केवड़े में हमने ये रंग घोल के रखा है। तो अब हम ये रंग इसमें डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डाल दीजिए, और अब इसको हम दम पे रख देंगे। अब ये फाइनल इसकी शक्ल है, ये हमने पूरा सब कुछ डाल के दम पे रख दिया है। अब हम इसको अल्मीनियम फॉइल से कवर कर देंगे। अल्मीनियम फॉइल की भी मैं आपको एक टिप दे दूं कि जो डल वाला जो एरिया होता है अल्मीनियम फॉइल का, वो हमेशा ऊपर रखें, और जो बहुत ज्यादा ब्राइट होता है वो अंदर की तरफ होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हीट बनाता है और उसकी वजह से आपकी चीजों में बहुत अच्छा दम आता है। तो ये लगा के लगा दिया। अगर आपके पास एल्यूमिनियम फॉइल नहीं है,
तो आप किसी भी कपड़े से भी इसको दम दे सकते हैं, अगर आपको अखबार से देना है तो अखबार से दे दीजिए। और अब मैं इसको ढक्कन भी ढक दूंगा और फिर हम आपको दिखाएंगे जब ये फाइनली दम हो जाएगा। इसको कम से कम हम 45 मिनट्स के लिए रखेंगे दम पे। 45 मिनट्स के बाद फिर इसके अंदर जो है वो आपको पता चल जाएगा कि ये दम हो गई है। तो फिर जब हम खोलेंगे पतीला तो फिर उस वक्त आपको दिखाते हैं। अब हमारी जो बिरयानी है वो दम हो चुकी है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हम नीचे से इसको मिक्स कर रहे हैं, ये आपको नजर आ रहा होगा इसका कलर, जो सिंधी बिरयानी का कलर होता है। तो ये जो है वो बिरयानी रेडी है। मैं आपको डिश आउट करके भी दिखा देता हूँ। ये आप इसी तरीके से बनाइए जो मैंने आपको बताया है, घर के मसाले से बनाइए, बाजार का मसाला इस्तेमाल मत कीजिए। आप देखिएगा ये बहुत मजे की बनती है और आपको जो टिपिकल सिंधी बिरयानी है वो यही है। तो मैं पीस इसमें ढूंढूं गोश्त का ऐसा जो मैं आपको दिखाऊं। तो ये सिंधी बिरयानी जो है ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। आप इसको सलाद, रायता या जो लाल चटनी होती है उसके साथ खाइए, बनाइए, खुद भी खाइए, सबको खिलाइए और खुश रहिए, खुश रहने दीजिए। और मेरी अगली रेसिपी तक आप इंतजार कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम अच्छी अच्छी रेसिपीज आपके लिए लेकर आए। और अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आया है तो आप बिल्कुल कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कीजिए, तो मैं आपको उसका जवाब भी दूंगा। तो फिर अगली रेसिपी में आपसे मुलाकात होती है सुहेल्स किचन में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।